देखने वाला हूँ। इंडियन मीडिया प्रेस पेशावर जर्मी विन अगेंस्ट क्वेटा ग्लेडिएटर्स। सो क्वेटा ग्लेडिएटर्स से मैच जीत लिया है। कहीं कहीं तो ऐसा लग रहा था जब मैच चल रहा था तो कि यार पेशावर जर्मी कहीं हार भी सकती है, लेकिन नहीं, बैटिंग ने काफ़ी हद तक संभाल कर कि बॉलिंग जो हुई है क्वेटा की तरफ से उससे लग रहा था यार पेशावर जर्मी की को ये रन बनाना महंगे पड़ जाएंगे। हालांकि बड़ा स्कोर नहीं था, छोटा ही था, तो भी मुश्किल पड़ सकते थे क्योंकि हसनैन ने 4 विकेट ले डाले थे एक ही ओवर में। धड़ाधड़ हैट्रिक वाला सीन बना दिया था उसने तो, और नसीम की भी बहुत तगड़ी बॉलिंग हो रही थी। खैर स्टार्ट करते हैं, इंडियन मीडिया क्या कहता है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सामने क्रम गुजस्तर रात होने वाले पेशावर जर्मी वर्सेस क्वेटा ग्लेडिएटर मैच में पेशावर जर्मी ने 9 गेंदों पहले 154 रन के टारगेट को पूरा करके मैच में बआसानी जीत हासिल की। लेकिन यह मैच शुरुआत से पेशावर जर्मी के लिए कोई इतना ज्यादा आसान नहीं था। बेशक मोहम्मद हारिस ने एक अच्छी शुरुआत दी, 8 बॉलों पर उन्होंने 18 रन स्कोर किए, जबरदस्त शॉट्स खेले, लेकिन फिर जैसे ही वो आउट हुए उसकी अगली ही गेंद पर पिछले मैच के हीरो साइम अयूब एक जबरदस्त बॉल पर जो कि मोहम्मद हुसैन की तरफ से आई थी उस पर LBW आउट हुए, जिसके बाद यह मैच काफी फंसता भी दिखाई दिया और एक लो स्कोरिंग मैच नेल बाइटिंग मैच में कन्वर्ट हुआ। अहम बात यह है कि क्वेटा ग्लेडिएटर्स की तरफ से शुरुआत में ही विकेटें गिरने के बाद इफ्तिहार अहमद और सरफराज अहमद की एक अच्छी पार्टनरशिप हुई, जिसमें इफ्तिहार अहमद ने 50 रन स्कोर किए और नॉट आउट रहे, जिसने वही क्वेटा की टीम जो 100 के आसपास आउट होने वाली थी उसका स्कोर 154 तक पहुंचाया और मुकाबले को एक अच्छे मुकाबले में कन्वर्ट किया। दूसरी तरफ पेशावर जर्मी एक अच्छी जीत के साथ अपने टूर्नामेंट में पॉइंट टेबल पर मजीद आगे बढ़ चुकी है और इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान हो या फिर बैरून मुल्क पेशावर जर्मी के फैंस काफी ज्यादा हैं। और इस बार ऐसा क्यों है कि पेशावर जर्मी के पूरे पाकिस्तान में तो फैंस हैं ही, बैरून मुल्क भी बेशुमार फैंस ऐसे हैं जो कि पेशावर जर्मी को इस बार सपोर्ट कर रहे हैं। उसी एक ही वजह है, वो है किंग बाबर, और भारत के जो सहाफी हैं वो भी खुलकर पेशावर जर्मी को जीतता देखना चाहते हैं। या फिर आप ये कहें कि कराची किंग्स की तरफ से जो बाबर आजम को हेट देने की कोशिश की गई उसके मुकाबले में अब सारी की सारी सपोर्ट, सारे इमोशंस बाबर आजम के साथ और पेशावर जर्मी के साथ जुड़ चुके हैं और पेशावर जर्मी की जीत को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में भी सेलिब्रेट किया जाता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीय सहाफी की जुबानी ये सारी रोदात भी सुनाएंगे। भैया कौन कहता है कि T20 क्रिकेट में वही मैच इंटरेस्टिंग होते हैं जिसमें 180-190 रन बने, और कौन कहता है कि T20 में वही मैच इंटरेस्टिंग होते हैं जिसमें आखिरी बॉल पे फैसला हो। आज जो पेशावर जर्मी ने हराया है क्वेटा ग्लेडिएटर्स को, मैच तो 9 बॉल पहले खत्म हो गया और रन भी बने 154 और 157, फिर भी ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मतलब कहते हैं कि नेल बाइटिंग टाइप का था, क्योंकि आपको लो स्कोरिंग मैच में पता नहीं था कि कब 2-3 विकेट गिर जाए और मैच पलट जाए। हाँ, मैंने पहले कहा था कि बाबर आजम की टीम जीतेगी। देखो बाबर आजम या वहां पे ना उसके उस बंदे की प्रेजेंस बहुत मैटर करती है। आजकल किंग बना हुआ है वो क्रिकेट का, तो कहीं ना कहीं ना उसकी प्रेजेंस बहुत मैटर करती है और कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस टीम में नजर आया। मुझे एक बार थोड़ा डाउट हुआ था, मैच इंटरेस्टिंग हुआ, मुझे नहीं लगता कि इतना डीप जाना चाहिए था। लगभग 16 भाई साहब हसनैन की बॉलिंग देखी है तुमने आज? हसनैन ने जो एक ओवर में 2 बॉल पे 2 पाकिस्तान के जो यंगेस्ट सबसे यंग सेंसेशन बैटर है 2 बॉल पे दोनों को उड़ा दिया भाई। मतलब एक बॉल पे उसने विकेट लिया है हारिस का, विकेटकीपर बैटर जो है हारिस, और अगली ही बॉल पे जो है साइम का विकेट ले लिया। और उस समय लग रहा था कि मुझे फंस गई है, मतलब 29 रन पे शुरुआत तो बहुत जबरदस्त की थी पेशावर ने छोटे से टारगेट के जवाब में। 2 ओवर में 29 रन बना लिए थे, पहले ओवर में हसनैन के 12 पड़े, फिर अगला ओवर नवाज लेके आए उसमें 17 रन पड़ गए, लेकिन तीसरे ओवर की पहली गेंद पे हसनैन ने जो है साइम का विकेट लिया और अगली ही गेंद पे हारिस का विकेट लिया और अगली ही गेंद पे साइम का विकेट लिया और मैच लगा कि फंस गया। फिर 47 रन जाते जाते तीसरा विकेट भी गिर गया पहले ओवर में, पहले मैच में जो कार्डमोर ने 90 प्लस की इनिंग खेली थी वो आउट हो गए। फिर 67 जाते जाते खुद बाबर आजम भी आउट हो गए 19 रन बना करके 18 बॉल पे, और पांचवा विकेट 113 पे गिर गया और छठा 134 पे। उस समय लग नहीं रहा, मतलब आप बता नहीं सकते थे कि कौन सी टीम जीतेगी। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ये मैच हो गया था। लो स्कोरिंग थ्रिलर जो होता है ना वो मुकाबला आज देखने को मिला है। क्या कहते हो, लो स्कोरिंग मैच भी इतने इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, कैसे हुए? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ। मतलब देखो, एक तो दो तरह के मैचेस होते हैं, एक तो होते हैं हाई स्कोरिंग जिसमें 180-190 टारगेट चेस करियो टीम में 2-3 रन से मैच हार जाए, या फिर जो अपने मिड टारगेट वाले मैच होते हैं ना 150-160-165, तो इनमें आपको लगता है कि ना टीम अगर चेस कर पा रही है तो ऑलमोस्ट इजीली, लाइक मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो अक्सर मैं टीमों को इस टारगेट को 16 ओवर तक में चेस करते देखा है और आज भी वही होता वो स्टार्ट जिस हिसाब से था ना, मुझे लगा कि एकदम मारने के उसमें ही है। तो बाबर आजम आउट हुए, फिर एकदम मोहम्मद हैरिस गए, फिर सैम अयूब गए, तो ना मतलब वहां पर जाके चीजें थोड़ी धीरे हो गई।
तो बाकी पोवेल और जिमी निशम बड़ा सही खेला, 100 बनाए रखा है, ऐसा नहीं है मतलब विकेट गिरने के बावजूद एक काम अच्छा किया है जैसे अपनी आरसीबी की टीम करती है, एक काम इन लोगों ने अच्छा किया कि रन रेट रेगुलर जो है काफी अच्छा रखा लगातार। आप देखो ना पांचवा विकेट गिरता है रोमन पावल का 12 ओवर में 13वें ओवर की दूसरी गेंद, लेकिन उस समय तक रन 113 हो चुके थे, मतलब लगातार 8-9-9 के ऊपर के रन रेट से जो है ये काम बहुत अच्छा किया आज पेशावर जलमी ने कि अपना रन रेट डिप नहीं होने दिया, भले विकेट गिर गए लेकिन रन रेट नहीं डिप होने दिया, क्योंकि देखो कल का दिन ना थोड़ा सा ऑफ चला गया था, वो कराची वाले जीत गए थे ना तो थोड़ा सा ये लोग जो है ना मेरे पे बहुत ही ज्यादा तनकीद कर रहे थे कि यार तेरा बाबर आजम तो जीतेगा नहीं वगैरह वगैरह वगैरह, तो आज मिलेगा मारक मजा, आज मिलेगा मारक मजा, व्हाट अ मैच यार, कराची किंग्स की कल जीत हुई, बहुत लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, आज मैं उन लोगों पर हंसूंगा क्योंकि आज मेरी बारी है ब्रो। बाबर आजम की टीम ने शानदार जीत हासिल की है, बाबर आजम की टीम ने शानदार जीत हासिल की है और 4 विकेटों से मुकाबला जो है क्वेटा ग्लेडिएटर्स के खिलाफ जीत हासिल की है, और इस जीत के जो है नायक रहे हैं इनके गेंदबाज के अलावा इनके मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है, रोमन पॉवल ने, जिमी निशम ने, मोहम्मद हैरिस ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था और आज जो है 4 विकेटों से मुकाबला जीत लिया और इस समय पॉइंट्स टेबल में पेशावर जलमी नंबर 2 पोजीशन पे चली गई है, 3 मैचों में 2 जीत और 1 हार के साथ इस समय पेशावर जलमी के जो है वो 4 पॉइंट्स है और पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पोजीशन पे चली गई है, नंबर 1 पे मुल्तान सुल्तान से 4 मैचों में 3 जीत और 1 हार के साथ 6 अंक है मुल्तान सुल्तान का, तो पेशावर जलमी की जीत हुई, एक बार तालियां हो जा भाई, कमाल का प्रदर्शन आज इनके मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों ने दिखाया, और सबसे अच्छी बात मुझे आज ये लगी, सबसे अच्छी बात मुझे आज ये लगी पेशावर जलमी का कि हर बल्लेबाज ने जो है ना इंटेंट दिखाया, आए मारने की कोशिश की, मोहम्मद हैरिस ने 9 गेंदों का सामना किया, 18 रन की पारी खेली, 4 चौके लगाए, वो लंबी पारी खेली, बाबर आजम ने 18 गेंदों का सामना किया, 19 रन, एंकर रोल करना चाह रहे थे क्योंकि अर्ली विकेट्स लगातार 2 विकेट्स ऑलरेडी गिर गए थे, इसके बाद टॉम कॉलर कैडमोर का भी विकेट गिरा था, ऐसे में कोई भी कप्तान जो है ना यही चाहेगा कि यहाँ पे मारने के बजाय थोड़ा सा जो ना थम जाते हैं, और बाबर आजम थम गए थे और एंकर की भूमिका अदा करना चाह रहे थे, लेकिन वो भी एक बॉल पर मोहम्मद नवाज की गेंद पर गच्चा खा गए और इस तरीके से उनका विकेट गिरा, लेकिन इसके बाद रोमन पॉवेल और जिमी निशम ने शानदार अर्धशतक की साझेदारी की और अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका अदा की, दासुन शना का मैंने पहले बोला था बहुत तगड़ा प्लेयर है, इंडियन टीम को बहुत पेला हुआ, इन्होंने बहुत रन बनाया हुआ, अभी आए थे हम लोगों के पास ना वनडे में भी इन्होंने सेंचुरी बनाई थी, एक T20I में भी बहुत ज्यादा रन 180+ इनका स्ट्राइक रेट हो जाता है हम लोगों के खिलाफ, तो लाजवाब जो है आज बाबर आजम की टीम ने प्रदर्शन किया है, ओवरऑल जो है इस सीजन बाबर आजम के लिए अच्छा जा रहा है, थोड़ा सा ना बाबर आजम वो नेगेटिव वाले माहौल से हटा है ना बाबर आजम, तो इसी वजह से आज देखो 3 मैच खेले हैं, 2 में जीत हासिल की है और इस समय पॉइंट टेबल पे बाबर आजम यानी पेशावर जलमी जो है नंबर 2 पोजीशन पे है, इसका एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं आज क्या क्या हुआ है मैच में, उसके बाद जो है ना कईयों को लाल करना है, कुछ ज्यादा ही बकवास करना है कमेंट बॉक्स में, नसीम शाह ने 4 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किए, मोहम्मद नवाज ने 47 रन खर्च कर दिए, 1 विकेट अपने नाम किए, मोहम्मद हसनैन ने 4 ओवर की गेंदबाजी में सिर्फ 13 रन खर्च किए और 3 विकेट अपने नाम किए, कैस अहमद ने 4 ओवर में 41 रन देकर 1 विकेट जो है आज उन्होंने हासिल किया, कैस अहमद को आज बहुत ज्यादा मार पड़ी है, तारीफ बनती भी है भाई, तारीफ नहीं करोगे तो क्या करोगे, क्योंकि वो मैच जो है वो डगमगा गया था, हारिस ने स्टार्ट अच्छा दिया था हालांकि, और बाबर ने भी उसमें साथ दिया, स्कोर कर रहे थे, चौका जो मारा था हारिस के साथ में, तो वो देखते हुए लग रहा था यार बहुत स्ट्रांग चल रही है, 2 ओवर के अंदर 29-30 रन बना दिए थे, लेकिन वहाँ पर जब विकेट गिरना स्टार्ट हुए, हसनैन की बॉलिंग आई, हसनैन पूरे फॉर्म में थे, वहाँ लड़खड़ाना दिख रहा था मुझे कि टीम लड़खड़ाना जाए, विकेट गिर जाएंगे तो स्लो हो जाएगा स्कोर, स्कोर स्लो हो जाएगा तो टीम में मैच फंस सकता है, और मैच फंस गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं, लेकिन हाँ जलमी ने निकाल लिया मैच, क्योंकि स्कोर बहुत बड़ा नहीं था, उनको कॉन्फिडेंस था, वो रिदम बनाकर चले थे, स्टार्टिंग में ही पावर प्ले का फ़ायदा उठाया, फ़र्क यहाँ पर देखिए आपकी क्वेटा की तरफ से आपको देखने को मिलेगा कि पावर प्ले 2 ओवर में 2 रन थे उनके शायद, तो सूखा सूखा चला गया उनका, मतलब कुछ हरा भरा कोई बाहर नहीं दिखाई दी, विकेट भी गिरे, लेकिन विकेट तो ज़्यादा खैर नहीं गिरे, लेकिन उनका स्कोर नहीं बन पाया हुआ, ये कमज़ोरी रही वहाँ पर, 20-30 रन आई थिंक वो एक्स्ट्रा जोड़ सकते थे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि क्वेटा की तरफ से बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त हुई है, नसीम और हसनैन ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, उन्होंने आधी टीम को ढेर कर दिया भाई, इन में से 2 जीत हो चुकी है जलमी की, देखते हैं आगे कहां तक जाती है, कल के मैच के बारे में ज़रूर बताना और इंडियन मीडिया से तारीफ़ सुनने के बाद क्या कहना चाहेंगे आप वो भी बताना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।